ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर 3630 और ये लोकेशन जो देख रहे हैं, लोकेशन बिल्कुल अलग सी है। ये लोकेशन की भी आपको बताऊंगा मैं, ये कौन सी लोकेशन है। और कुछ ट्रैक्टर इनके पास में एक्सचेंज में आए हुए हैं, मतलब ये एजेंसी खुली नई। ये है 3630 न्यू लैंड का ट्रैक्टर और इस साइड में 241 खड़ा है, एक महिंद्रा और एक सोनाली का। ये सारे ट्रैक्टर एक्सचेंज में आ रहे हैं इनके पास, क्योंकि ये है एजेंसी इंडो फार्म की एजेंसी। आपको दिखवा देता हूँ, ये देखो जी, ये ट्रैक्टर सारे खड़े हुए हैं झिंजाना रोड शामली में ही। तो एक बार भाई जी इधर आ जाओ आप। ये जो 3630 आ रहा है आपके पास में एक्सचेंज में, इस ट्रैक्टर की डिटेल बताओ किसान भाइयों, क्या है? 2005 मॉडल है जी, ठीक है, हरियाणा नंबर है जी, ठीक है। और जो ट्रैक्टर के पिछले टायर है वे हैं 55 पैसे, ठीक है। अगले टायर है 35 पैसे। तो ये 7 के टायर है चारों जी इसमें? नहीं जी, 12 के हैं। हाँ जी। तो ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल होगा जी? ये 2005 मॉडल है जी। कितने पैसे की डिमांड है? 2,25,000 रुपए की डिमांड है जी। 2,25,000 की। और इस साइड में एक साफ सुथरा ट्रैक्टर खड़ा आपके पास में, एक 241 cc पावर हाइड्रोली, वो कंट्रोल हाइड्रोली है, बैटरी भी नहीं है। सेल्फ स्टार्ट है जी, ठीक है। 98 मॉडल है जी, हरियाणा नंबर है, ठीक है जी। इसकी डिमांड है 1,08,000 रुपए, ठीक है। आ जाओ जी, दो ट्रैक्टर और हैं जी। ये है सोनाली का DI-60, ये देखो कंडीशन ट्रैक्टर की, इसकी और बताओ जी। ये सोनाली का 60 2010 मॉडल है जी, 7 टायर है इसमें, टायर मान के चलियो जी 35 पैसे ट्रैक्टर में, ठीक है। और इंजन गियर बक्से का बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, ठीक है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, लोकल नंबर है। और इसकी डिमांड है 2,25,000। लोकल नंबर मतलब शामली का नंबर है जी? नहीं, बागपत, बागपत का नंबर है। तो मतलब इसमें नाम वाम की तो या होने का ही नहीं है फिलहाल, तो होने का नहीं, 10 मॉडल है ये, ठीक है। आ जाओ जी, ये ट्रैक्टर है जी इनके पास में 265 और ये काली पट्टी वाला जो महिंद्रा था वो है जी। ये महिंद्रा 265 है जी, 95 मॉडल है जी, टायर ट्रैक्टर में है जी 3340 cc और हरियाणा का नंबर है जी। और ट्रैक्टर की डिमांड है इसकी 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये। बाकी और भी कुछ ट्रैक्टर आपके पास हैं मतलब सेकंड हैंड में? हाँ, आते रहेंगे तो। चलो, जो भी आते रहेंगे वो अपडेट करते रहेंगे। और बाकी भाई के पास में इंडो फार्म ट्रैक्टर की जो एजेंसी है नए ट्रैक्टर की, वो भी यहाँ इन्होंने ओपन कर दी है। तो नए ट्रैक्टर जिस भी भाई को इंडो फार्म का चाहिए तो सारे के सारे अवेलेबल होंगे आपके पास ही, है जी। अच्छा एक चीज़ बताओ, इंडो फार्म ना कोई छोटा ट्रंच भी देगा ट्रैक्टर निकल रहा? कितनी HP का? दो ट्रैक्टर है, एक तो है 18 HP में, ठीक है जी, और एक है 26 HP में। तो ये HP वाला 4x4 है और 18 HP वाला 2x4 है। तो ये 18 HP में 4x4 नहीं आता जी? नहीं। अच्छा 26 HP, 4x4। तो 26 HP का जो ट्रैक्टर है 4x4 में, उसका कुछ अंदाजा रेट कितना होगा? उसके रेट है जी 5,10,000 रुपये। मंदा सस्ता है मतलब? हाँ जी। तो उसका कब लेगा होगा आप? जैसे भी कस्टमर की डिमांड चल रही अभी, कस्टमर आप उसका लिया हो, क्योंकि ट्रैक्टर अभी क्या है कि ट्रंच विधि के हिसाब से ट्रैक्टर खरीदे जा रहे बहुत ज़्यादा, और किसान भाई मतलब इस चीज़ में बाट में बैठे, क्योंकि 5,10,000 रुपये का मतलब है कि 21 HP का ट्रैक्टर भी नहीं मिलता अग्नि। तो लेगा उस है। तो ये इंडो फार्म पे एक बार भाई संपर्क कर लेना किसी भाई को ट्रंच के हिसाब से, अगर किसी ट्रैक्टर को चाहिए। बाकी ये एक्सचेंज में इनके पास ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और इनके पास ही इंडो फार्म की एजेंसी है शामली के अंदर। नमस्कार किसान भाइयों।